देश की सियासत और ख़ास तौर में बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो पार्टी खंड खंड टूट गई है। कहा जा रहा है कि इसमें जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और MLC गुलाम रसूल बलियावी हैं। नीतीश कुमार को आंख तरे रहेंगे तो यही अंजाम होगा। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी के गार्जियनशिप में हमने काम किया है और लीडर के साथ साथ वो एक बड़े भाई का भूमिका पर्सनली मेरे साथ निभाते रहे और पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने में जो उनकी भूमिका और कुर्बानी है उसको कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता है। अब रहा कि जनता दल यू पर अगर कोई किसी तरह का आरोप लगाता है तो वो निराधार है, इसलिए कि जनता दल यू अच्छे कामों के लिए जाना जाता है और इसका एजेंडा ही अच्छा है। तो किसी के तोड़ फोड़ और किसी के तबाही में हम क्यों शामिल होंगे? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को कोई आंख दिखाएगा और कोई चमकाने का प्रयास करेगा तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम लोग तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं वहाँ शालीनता, सहजता और तहजीब बढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और उससे हम सारे लोग प्रभावित होकर के उसी आइडियोलॉजी और उसी शैली को फॉलो करते हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी के जो असल लीडर कल थे वो पारस भाई थे, तो उन्होंने तो पार्टी को डूबने से बचाने का काम किया होगा। क्या लगता है कि अब इस डूबती नाव को बचाने का काम पशुपति पारस किए हैं? JDU को भी मजबूती मिल रही है क्या ऐसे? देखिए, LJP अलग है, JDU अलग है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग थॉट होता है, विचारधारा होता है, लेकिन JDU जिस विचारधारा और जिस आइडियोलॉजी की पार्टी है वही आइडियोलॉजी, वही विचारधारा तो स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी की थी। उनका वो स्लोगन, उनका वो डायलॉग, उनका वो भाषण जिसमें कभी भी उन्होंने क्रूरता की, नफरत की कोई बात नहीं की। हाँ, हमेशा वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, स्वर्ण समुदाय के गरीबों की हमेशा वकालत किया। एक बड़ा सवाल यह है गुलाम रसूल बलियावी जी की, चिराग वाले लोजपा को NDA में हिस्सेदारी से आपकी भी नाराजगी थी और अब जब पशुपति पारस के कमान होने वाली है तो ये लोजपा आप लोगों को हजम होगा केंद्र में? अब पहले ये जो चल रहा है, जो खबरें आ रही है माननीय सांसदों का जो रुझान है वो तो वही है ना कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। जनता दल यू को क्षति पहुंचाने में और जनता दल यू को कमजोर करने में, इसके वजूद को खत्म करने में
वो कौन है जिसने हथौड़ा नहीं मारा, ये तो माननीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विल पावर था और उनके किए हुए कार्य थे जो वजूद बचा, वरना जिस प्रकार से किससे नहीं लड़े हैं, सबसे लड़े हैं, यहां तक कि जिन लोगों को वो अपना समझते थे उनसे भी उनको लड़ना पड़ा है ना, और ये पूरी दुनिया जान रही है। बावजूद उसके, हमारे लीडर के विल पावर में, थॉट में और विकास के एजेंडे में, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कहा था कि बिहार के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। किन किन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और किन किन लोगों ने किस किस तरह का लांछन और आरोप नहीं लगाया, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करते हुए सिर्फ एक एजेंडा कि हम बिहार को विकसित बनाएं, हम बिहार के युवाओं को, युवतियों को, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं, शिक्षा के जगत में, रोजगार के जगत में, विभिन्न स्कीम, योजना, प्लानिंग केवल बिहार के लिए, सब कुछ बर्दाश्त किए। तो जो व्यक्ति अपने राज्य को संवारने में, आगे बढ़ाने में, निखारने में लगा हो, उस पर अगर कोई अनगरल टिक्का टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो कहीं ना कहीं तो न्याय होता है क्या? मौजूदा परिस्थिति में जो लोजपा के हालात हैं, चिराग पासवान को कहाँ देखते हैं भाई? चिराग पासवान जी को जिस कोठी में रहते हैं वहीं देख रहे हैं, सांसद हैं सांसद देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड मंत्रिमंडल में अब मजबूती से जाएगी? कौन? जनता दल यूनाइटेड। भाई जनता दल यूनाइटेड एनडीए का पार्ट बिहार में है, दिल्ली में है, देश के अन्य राज्यों में नहीं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो इस पर स्पष्ट कर दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब देश के सामने अपनी बात रख दी है और साफ कहा है कि तो मान सम्मान की बात होती है, तो अंडरस्टूड होता है, सम्मान भी मिलेगा लोजपा टूटने के बाद। उस सब पर बहुत ज्यादा हम लोगों की कोई रुचि नहीं रहती है कि किसके टूटने से, किसके हटने से और किसके जुटने से किसको क्या मिलता है, ये गेनर लोग करते हैं। जनता दल यू गेनर नहीं है, जनता दल यू वर्क करती है और वर्क विकास का होता है, समाज में सद्भाव का होता है, आपसी भाईचारे का होता है, और ये ऊपर से ही आया है। जयप्रकाश जी से, कर्पूरी ठाकुर जी से, लोहिया जी से, गांधी जी से, और उसी लकीर को पकड़े हुए हमारे नेता काम करते हैं। बाकी कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं। चलिए, तो ये थे जनता दल यूनाइटेड के MLC गुलाम रसूल बलियावी। हर एक सवाल का बारीकी से जवाब दिया। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।